हे फूडीज, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर पर आप टमाटर और साबूदाने की सेव कैसे बनाएंगे, जिसे आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है। मेरे घर पर हर साल 1 से 2 किलो साबूदाना का ये ज़रूर बनता है, बिकॉज व्रत करते हैं तो ये अच्छे से हम साल भर खा सकते हैं। तो मैंने ये साबूदाने एक बार तो धो दिए थे, उसके बाद मेरे को लगा कि चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने अपना कैमरा ऑन किया और सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर ये दूसरी बार मैं फिर से इसे धो रही हूँ, क्योंकि पानी जो है काफ़ी धुंधला निकला। अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि साबूदाना जो है अच्छे से भीग जाए और पानी 1 इंच ऊपर रहना चाहिए साबूदाने से। तो बस आपको इतना ही पानी डालना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो साबूदाना लिया है, जिसे हमें 6 से 7 आवर्स के लिए भिगोना ज़रूरी है। तो आप ढक्कन लगा दें और इसे रात भर भीगने दें। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आपको साबूदाना दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है और एक एक दाना इसका अलग है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये चिपचिपे नहीं है। और जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से प्रेस भी हो रहा है, मतलब ये अच्छे से भीग गए हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और देख लेते हैं टमाटर कितना लेना है। टमाटर आपको यहाँ पर 1 किलो लेना है और एकदम लाल वाले, और ये लंबे टमाटर लेने हैं। मार्केट में आपको लंबे और गोल टमाटर मिल जाएंगे, तो आप ये लंबे वाले टमाटर लेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर लाल मिर्ची ले रही हूँ, प्लस 2 से 3 इंच अदरक ले रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मिर्ची और अदरक को मैं टमाटर के साथ ही पीस लेने वाली हूँ। टमाटर को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से धो दिया है और इसे कट कर लेंगे। तो जब तक टमाटर कट होते हैं, तब तक मैं आपको बता देती हूँ और इसमें हमें क्या लेना है। यहाँ पर आपको आधा किलो आलू लेना है। वैसे तो मैंने इसको 350 से 400 ग्राम ही आलू लिए हैं, ताकि टमाटर का जो टेस्ट है वो खुल के आए। आप ज़्यादा आलू लेंगे तो क्या होगा ना, फिर वो टमाटर का जो टेस्ट है ना, वो खटाई जो रहती है वो दब जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 350 से 400 ग्राम आलू लिए हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो, मतलब 500 ग्राम आलू ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आलू बिल्कुल भी नहीं लेना है। मीन्स आप जितना साबूदाना ले रहे हैं उतना आलू आप ले सकते हैं। अब आलू को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है, हाथ से या फिर मैशर से। मैश करने की गलती नहीं करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैश नहीं होगा और उसकी गुठलियाँ रह जाएगी आलू की, तो सेव जब आप बनाओगे तो वो अच्छे से नहीं निकल पाएगी मशीन में से या फिर थैली में से। आलू को अच्छे से कस लिया, उसके साथ साथ हमारे टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से कट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। पीसते समय बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और जो मिर्ची और अदरक मैंने ली थी वो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाल दी है। टमाटर को पीसते समय पानी नहीं डालना है, और आप चाहे तो पीसने के बाद इसे छान सकते हैं, बट मैंने इसे बहुत बारीक पीस लिया तो मैं इसे बिल्कुल भी छानने वाली नहीं हूँ, और बाकी टमाटर भी इसी तरह पीस लूँगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा बर्तन लेना है इसे बनाने के लिए, उसमें हम डाल देंगे 2 ग्लास पानी। मेरा जो कप है वो, मतलब ग्लास, वो 250 ml का है। उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून जीरा, और 1.5 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस भी बर्तन में बना रहे हैं, बहुत बड़ा बर्तन लेना है, प्लस बर्तन का बेस काफ़ी मोटा होना चाहिए, ताकि ये बेस में चिपके नहीं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि टमाटर में बिल्कुल भी बड़े बड़े दाने नहीं रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके, मतलब टमाटर में थोड़े से दाने रह गए हैं या गुठलियाँ रह गई है, तो आप इसे छान सकते हैं, बट मैंने नहीं छाना है। अभी सेव का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च ले लिए। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बस कलर के लिए यूज़ करा है, ताकि कलर अच्छा आएगा तो खाने का मन करेगा, बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और क्योंकि हम इसे घर पे बना रहे, तो बट ऑब्वियस है ये हेल्दी है, घर पे बनी हुई चीज़ें जो है वो हेल्दी रहती है, और बच्चों को आप आसानी से दे सकते हो, किसी चीज़ का डर नहीं है। तो जैसे ही टमाटर में एक बॉयल आएगा, उसके बाद आपको इसके अंदर जो भीगे हुए साबूदाने हैं वो डाल देने हैं। तो एक बार हम यहाँ पर सारे साबूदाना जो है वो डाल देते हैं। आप देख रहे हो ना, साबूदाना कितना अच्छे से फूला, और मिर्ची की वजह से कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे लग रहा है कि टमाटर ही हमारे इतने लाल है, बट टमाटर आप कितना भी लाल ले लो, ऐसा कलर तो आपका नहीं आएगा। और मिर्ची डालना है नहीं डालना है टोटली आपके ऊपर है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया, और गैस का फ्लेम हम रखेंगे स्लो टू मीडियम। अब आप देखिए कितना, मतलब थिक होता जा रहा है, साबूदाने के दाने अच्छे से फूल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ एक बार के लिए, और गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर दूँगी, ताकि अच्छे से कुक हो जाए, साबूदाने अच्छे से फूल जाए। साबूदानों को कच्चा नहीं रखना है।
तो जैसे ही साबूदाना अच्छे से फूल जाएंगे तो ये जो पेस्ट है, मीन्स ये जो हमारा बैटर है साबूदाना और इसका, ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे प्लस ग्रेट करके रखे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको पहले बताना भूल गई कि आलू को आपको 2 से 3 घंटे पहले बॉईल कर लेने, अच्छा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद आप इसे ग्रेट कीजिएगा। आलू मिलाने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू, टमाटर और साबूदाना एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, हिल गुल मिल जाए, ये वाली बात बोलूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है और थिक हो गया है पेस्ट वापस, ये हमारा काफ़ी थिक लग रहा होगा। तो आलू डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट आपको कुक भी करना है और फिर ये हमारा जो मिक्सर है वो रेडी हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए आप इस तरह स्पून खड़ा करें। अगर स्पून बीच में खड़ा है मीन्स आपका ये जो मिक्सर है वो रेडी है। अब मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि हमारा जो मिक्सर है ये आलू साबूदाने का वो कितना थिक है। तो ये अभी काफ़ी गर्म है, मैं इसे ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और इसे हम आधे घंटे बाद बनाएंगे। चाहे ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। देखो मार्केट में इस तरह की जो है मशीन मिल जाती है, चक्री वाला प्लेट ले लेना है इसे बनाने के लिए, और ये हर घर में होती है जो बेसन की सेव चक्री हम बनाते हैं, आप इस तरह की मशीन यूज़ कर ले। आज मैं इस तरह की पॉलीथीन यूज़ करने वाली हूँ। ये आइसिंग बैग होता है जो कि बेकरी में यूज़ होता है क्रीम, केक क्रीम के लिए, आप समझ गए होंगे। तो ये 10 रुपीस का मार्केट में मिलता है, जहाँ पर भी आपको बेकरी का सारा सामान मिलता है वहाँ पर ये इजीली मिल जाएगा। और इससे ना ये जो सेव है साबूदाने की या फिर किसी भी तरह की सेव बनाते हो वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि अभी हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो गया है तो ना तो हमारे हाथ जलेंगे ना हमें कुछ पेन होगा। तो इस तरह का प्लास्टिक आपको फ्लोर पे बिछा देना है और इस तरह से देखिए आगे से कट करने के बाद जितना मोटा आपको सेव बनाना है उस तरीके से आप यहाँ पर सेव बना सकते हो। बहुत ही स्मूथली ये बना सकते हो आप, इसमें बिल्कुल भी हाथ में पेन नहीं होगा ना ये बिल्कुल जलेगा, बिकॉज़ ये आधे घंटे बाद बहुत अच्छे से ठंडा हो गया, मतलब हल्का गुनगुना है। जितना मतलब गर्म रहेगा ये स्पीडली बन जाएगा, तो मैंने सिर्फ इसे हल्का गुनगुना रखा और फिर इस तरह देखिए पूरा जो है मैंने सेव बना ली है। अब इसे धूप में कम से कम 6 दिन के लिए सुखा लेना है। 6 दिन बाद देखिए कलर, वाओ रेड, कितना रेड कलर आया है और ये बहुत ही अच्छे से कड़क हो गई है। दिन में आपको धूप में सुखाना है, रात को आप अंदर ले लें और फैन में सुखा दें, एसी कूलर में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो चलिए अब इसे फ्राई करके भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने अच्छा से तेल गरम कर लिया, उसके बाद गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया। जैसे ही आप तेल में डालोगे ना साबूदाने देखिए कैसे फूल रहे हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया और एक एक साबूदाना ना आपको अलग से दिखेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को तो बनाते समय अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेफिक्र मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। आधा किलो साबूदाना, 1 किलो टमाटर, आधा किलो तक आलू ले सकते हैं, नमक मिर्ची सब आप अपने टेस्ट के अनुसार धूप में अच्छे से सुखा देना और 2 ग्लास पानी लेना है। और ये हमारी टमाटर, साबूदाना, आलू की सेव जो साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी क्रिस्पी बनी है। आप पूरे साल इसे स्टोर करके रखिए, टेस्ट सेम रहेगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।